आपने फोन चोरी के बारे में सुना होगा, किसी का पर्स चोरी होते हुए सुना होगा या फिर पैसे चोरी होते हुए भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी फुट ओवर ब्रिज चोरी होते हुए सुना है? चौंक गए ना? जी हाँ, ये सच है। दिल्ली में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आइए दिखाते हैं आपको इस मामले के बारे में। दिल्ली में सरेआम एक फुट ओवर ब्रिज चोरी होता रहा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुनने में थोड़ा शॉकिंग है, दिल्ली में सड़कों को सुरक्षित पार करने के लिए तमाम ब्रिज बने हुए हैं। इनमें से एक ब्रिज ऐसा भी है जो सरेआम चोरी होता रहा और किसी को पता ही नहीं चला। यह मामला साउथ सेंट्रल दिल्ली का है, जहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास व्यस्त रोड पर सितंबर 2010 में एक फुट ओवर ब्रिज तैयार किया गया था। लेकिन कुछ ही महीने बीते होंगे जब लोगों ने इसके पार्ट्स चुराने शुरू कर दिए। इस ब्रिज को बनाते समय इसमें 4 करोड़ की लागत लगाई गई थी और करीब 10,000 लोग एक सप्ताह में ब्रिज का इस्तेमाल करते थे। ऐसे में धीरे धीरे ये ब्रिज चोरी होने लगा और इसके चलते उसका इस्तेमाल भी बंद हो गया। अब यह ब्रिज ड्रग यूजर्स और चोरों का ठिकाना बन गया है। वहीं जब ब्रिज ही नहीं रहा तो भला लोग भी कैसे सुरक्षित सड़क पार कर पाएंगे, तो उस जगह पर हादसे भी बढ़ने लगे। इस मामले में हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ब्रिज चोरी होता रहा, कोई इसमें लगे एलिवेटर के स्विच ही निकाल ले गया, यहाँ तक कि रेलिंग और ईंटें भी चुरा ली गईं। बीते 2 साल पहले पीडब्ल्यूडी ने जब इसे बंद किया था तो यह लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब भी कुछ बदला नहीं है और पुल पर बची आखिरी रेलिंग को भी हाल ही में चुरा लिया गया। अब सवाल ये है कि आखिर इस ब्रिज को चुराया किसने? ब्रिज को चुराने में एक ही शख्स का हाथ है या फिर इसमें कई लोग शामिल हैं? ब्रिज की चोरी में कभी पुलिस का कोई इंटरफेरेंस क्यों नहीं हुआ? इस मामले में एक अधिकारी का कहना है कि जब किसी चीज का ढांचा तैयार होता है तो यह पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उससे कोई चोरी न कर सके। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने ये भी कहा है कि पुल में चोरी होने की शिकायत कभी दर्ज नहीं कराई गई। ऐसे में अथॉरिटीज को यह फैसला लेना होगा कि आखिर इस फुट ओवर ब्रिज का क्या किया जाए। सितंबर 2010 में जब इसका उद्घाटन हुआ था तब इसमें स्टील की रेलिंग थी और दोनों तरफ लिफ्ट की भी सुविधा थी। कुछ महीनों के अंदर ही इसे पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए तैयार किया गया था, जिन्हें साईं बाबा मंदिर से स्टेडियम जाना होता था। इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। फुट ओवर ब्रिज के पार्ट्स धीरे धीरे चोरी होने लगे और एक दिन पूरा ब्रिज ही गायब हो गया। न किसी पुलिस की नजर गई और न ही किसी अधिकारी ने इसके बारे में पता चला। ऐसा लगता है कि सबके सब सोए पड़े थे। ऐसी घटनाओं को देखकर यही कहा जा सकता है कि ये देश भगवान भरोसे चल रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।